जो भी फाइल होते हैं कई तरह के जो फाइल होते हैं उसके डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं एग्ज़ाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइज आर हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क एंड सी डी हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं डिवाइेज हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइज़ के जैसे हमें हार्ड डिस्क है हार्ड डिस्क में हम जो डाटा डाटा रखते हैं वो अगर हम हार्ड डिस्क ख़राब हो गया तो तो अलग बात है तब तो, तो वो ख़राब हो गई अदरवाइज अगर वो ख़राब नहीं हुआ अगर वो एक्टिव है तो हमारे डाटा उसमें स्टोर रहेंगे जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं ओके सो सेम प्रोसेस ऑप्टिकल डिस्क लाइक सी डी रोम एंड ए बी डी आर ऑल्सो हेल्प टू स्टोर आवर डाटा परमानेंटली ओके इन एडिशन टू दिस अदर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइज आर आल्सो अवेलेबल लाइक पेन ड्राइव डाटा कार्ड ए टी सी पेन ड्राइव्स डाटा कार्ड्स ये सब जो हमारे हैं वो uh, अलग से पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइज होते हैं जो हम लोग उसमें ज्वाइन करके सेव कर सकते हैं और अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक ओके okay? एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नोट करेंगे हम लोग स्टोरेज यूनिट इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो स्टोरेज यूनिट होते हैं हमारे कंप्यूटर के उससे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं द स्टोरेज आर डिजेटेड इन साइड दिस्टम कार्ड इंटरनल स्टोरेज जो हमारे कंप्यूटर डिवाइस के अंदर होते हैं उसे इंटरनल अं, इंटरनल मतलब कंप्यूटर के अंदर अंदर के हिस्से में जो आता है ठीक है तो वो कंप्यूटर uh, के इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं जैसे में हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस ठीक है हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क को हम लोग कंप्यूटर uh, के अंदर में रख के और हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं उसमें सो दिस डिवाइसेस आर कॉल्ड द इंटरनल स्टोरेज डिवाइज ओके नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क क्या है सबसे पहले हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे हार्ड डिस्क इज मेन पार्ट्स वी कैन से दैट विदाउट हार्ड डिस्क वी कॉन्ट ऑपरेट आवर कंप्यूटर नो आप लोगों ने सुना होगा जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं और जब भी हम लोग किसी डाटा को स्टोर करते हैं तो वो डाटा हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाके परमानेंटली स्टोर होता है ओके ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं तो वो परमानेंटली कहाँ जा कर स्टोर होता है तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो सी पी यू में लगे रहते हैं हार्ड डिस्क उसका उस, उस हार्ड डिस्क में जाके वो डाटा सेव होता है जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो हार्ड डिस्क में सेव रहेगा तो अगर कभी आपका कंप्यूटर ख़राब हो हार्ड डिस्क अच्छा हो तो आप हार्ड डिस्क से बैकअप बना के अपने डाटा को रिकवर कर सकते हो ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताया नेक्स्ट द हार्ड डिस्क ड्राइव इज द मेन स्टोरेज डिज अ कंप्यूटर इट रीड्स द डाटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क एंड आल्सो राइट द डाटा ऑन इट ये देखो क्या क्या काम करता है रीड भी करता है डाटा को और राइड भी करता है मतलब वो डाटा जो हम लोग वर्क करते हैं ना उसे देखता भी है पढ़ता भी है और लिखता भी है मतलब वो सेव भी करता है हार्ड डिस्क इज फिटेड इन हार्ड डिस्क ड्राइव इन साइड दिस्टम यूनिट वो सिस्टम यूनिट यानी कि सी पी यू में फिट होता है ऑल द वर्क यू डू ऑन दंप्यूटर इज ए स्टोर्ड बाई द ड्राइव इन द हार्ड डिस्क मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि जो भी हम लोग वर्क करते हैं और इसे स्टोर करते हैं वो कहाँ होता है हार्ड डिस्क में होता है ओके नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हम लोग इसके बारे में देखते हैं इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन साइड यूनिट बट इट इज यूज टू रीड डेटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क ये भी चूंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में होता है लेकिन ये क्या काम करता है इट इज़ यूज टू रीड एंड डाटा ऑन द ऑप्टिकल डिस्क इसका काम होता है ऑप्टिकल डिस्क पे डाटा को राइट करना और रीड करना ऑप्टिकल डिस्क स्टोर द डाटा एक्सटर्नली वाइल हार्ड डिस्क स्टोर द डाटा इंटरनली ये जो है कंप्यूटर को चूंकि होता है तो इंटरनल पार्ट्स ही हैं हमारे इंटरनल स्टोरेज डिवाइज में आते हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव देखिए ध्यान दीजिएगा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी मैंने यहाँ पर लगाया है अगर इस ड्राइव को हम लोग हटा देते हैं ऑप्टिकल डिस्क जोड़ते हैं तो एक्सटर्नल हो जाएगा ओके जिसमें सी डी और डी पी डी जिससे हम लोग बोलते हैं

आप देखिए ये सी लिखा हुआ है ना री ए आर डब्ल्यू आर का मतलब होता है रीड और डब्ल्यू का होता है राइट रीड एंड राइट ठीक है तो हमारा दोनों काम ये करता है हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे हम लोग देखेंगे द पेन ड्राइव पेन ड्राइव होता है क्या होता है पेन ड्राइव हम लोग सब लोग जानते हैं पेन ड्राइव क्या होता है लेकिन अगर हम लोग ये बोले कि आप डिफाइन करो व्हाट इज़ द पेन ड्राइव देन यू आई थिंक जैसे ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी तो होगी आप लोग डिफाइन कर सकते हो ऐसा मैं नहीं कहूँगा अगर नहीं कर सकते लेकिन सटीक बिल्कुल जो होना चाहिए वो आप नहीं कर पाएंगे ओके okay, अगर कर भी पाएंगे तो देट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू हाँ देखते हैं द पेन ड्राइव अ पेन ड्राइव इज़ एन इजी टू कैरी इसे हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं स्मॉल साइज़ स्टोरेज डिवाइस ये जो स्मॉल साइज छोटे साइज का स्टोरेज डिवाइस होता है आसानी से हम लोग अपने पैकेट में रख के भी उसे लेके चल सकते हैं इट इज़ प्लग इन टू द यू डी पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर के यू एस पोर्ट में हम लोग इसे प्लग करते हैं लगाते हैं पेन ड्राइव्स आर वेरी पॉपुलर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइज एंड आर कॉमन आवर डेज आजकल के दिन में आजकल पेन ड्राइव जो है कॉमनली यूज किया जाते हैं लगभग लगभग सबके पास जो भी कंप्यूटर रखे होंगे वो उनके पास पेन ड्राइव जरूर होगा प्रेजेंटली इन अ पेन ड्राइवी स्टोर अप टू सिक्सटी फोर जी बी डाटा आज चूँकि हम लोग ये बुक में ऐसे दिया हुआ था तो हमने ऐसे नोट कर दिया लेकिन चौसठ जी से भी ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पे भी हम लोग अपने डाटा के स्टोर कर सकते हैं पेन ड्राइव की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ओके नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेमोरी कार्ड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लगभग लगभग सबके फ़ोन में तो ये मिल ही जाते हैं इट इज़ आल्सो कार्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड का नाम आपने सुना होगा देखिए यहाँ पे इमेज ही बनाए गए हैं देख के आपको समझ में आता होगा कि आपके फ़ोन में ये लगे रहते हैं जिसमें हम लोग सॉन्ग वीडियो वगैरह रखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए ओके इट इज़ यूज इन डिजिटल कैमराज मोबाइल फ़ोन एम पी प्लेयर्स एंड अदर हैंड हेड डिवाइजेज कहाँ कहाँ हमारे कैम डिजिटल कैमरे में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं फोटो क्लिक करने के बाद इसमें स्टोर होता है और हम लोग फिर इसे कंप्यूटर वगैरह में कॉपी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं इसमें मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज करते हैं एम पी थ्री प्लेयर्स और अदर हैंडल डिवाइज में जहाँ पे हम लोग को इसकी आवश्यकता हो होती है और जो सपोर्टेड हो दिस डिवाइस इन विच मेमोरी कार्ड कैन बी इंसर्टेड ये जो भी डिवाइस में इसे यूज किए जाते हैं उसके लिए एक छोटा सा पोर्ट होते हैं स्लॉट होते हैं सॉरी स्लॉट होते हैं जिसमें हम लोग मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कराते हैं दे कैन बी यूज विथ कंप्यूटर्स आल्सो थ्रू अ यूएसबी कार्ड रीडर हम लोग कार्ड रीडर अगर खरीदते हैं यूएसबी कार्ड रीडर अब तो मार्केट में तीस चालीस रुपये के भी मिल जाते हैं तो उसके थ्रू भी हम लोग इसको कंप्यूटर में पॉट करके सॉरी कंप्यूटर में प्लग करके हम लोग वर्क कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट जो है एक चीज़ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिया हुआ है ओके टुडे ऑनलाइन स्टोरेज इज़ बिकमिंग पॉपुलर आजकल जो है ऑनलाइन स्टोरेज जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है क्लाउड स्टोरेज जिससे हम लोग बोलते हैं ऑर्गनाइजेश स्टोर तो डाटा और नेटवर्क कंप्यूटर्स इन दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज क्या होता है ये आपको जाना ज़रूरी होता है कंप्यूटर पे के माध्यम से या मतलब किसी डिवाइस के माध्यम से हम लोग अपने डाटा को इंटरनेट के किसी साइड पे स्टोर रखते हैं उस आ, प्रोसेस को हम लोग क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं इसके फ़ायदे क्या है कि हम जब चाहें तब इंटरनेट के थ्रू इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं चाहे वो हम किसी भी कोने में हो। ओके तो ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपने कंप्यूटर के जो ऑप्शनस होते हैं हमने जो आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर का पार्ट्स मैंने बताया था कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं क्या क्या इसमें वर्क होते हैं ओके okay, तो नेक्स्ट uh, हम लोग पढ़ेंगे इसमें पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोर्ट्स एंड कनेक्टर अ पोर्ट इज अ चैनल टू कनेक्ट पेरीफेरल डिवाइजेज लाइक प्रिंटर्स एंड स्कैनर विथ द कंप्यूटर पॉट्स जो होते हैं देखिए अब तक हम बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं हार्ड डिस्क पढ़ लिया मैंने पेन ड्राइव मैंने पढ़ लिया यू केबल्स के बारे में हमने पढ़ लिया सब कुछ मैंने पढ़ लिया लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि वो कनेक्ट कैसे होंगे तो कैसे कनेक्ट होते हैं तो पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं तो फेरी फेर डिवाइसेज जो भी होते हैं प्रिंटर स्कैनर या जो भी है वो हमारे कंप्यूटर में जो कनेक्ट होते हैं वो पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं ये देखिए हमारे सारे पोर्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं ओके दिज पोर्ट्स आर यूजुअली फाउंड एट द दिज पोर्ट्स आर यूजुअली फाउंड एट द बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ पोर्ट इज यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी बहुत ही पॉपुलर होता है यूएसबी हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि यूएसबी के थ्रू हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं ओके तो यूएसबी के थ्रू हम लोग करते हैं बट यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है यूनिवर्सल सीरियल बस ओके so you will have to remember that what is the full form of USB then you can say that universal serial bus okay so USB port which can connect any modem device modern device like printer scanner speaker pen drive keyboard mouse etc इतने सारे लगभग लगभग जो भी हमारे modern जमाने के जो भी devices हैं लगभग लगभग वो USB से connect हो ही जाते हैं कुछ ही ऐसे devices हैं जो connect नहीं हो पाते हम

स्पोर्ट के बारे में इमेज में आपको बता दे रहा हूं देखिए ये जो है मैं यहाँ से चलता हूं बिल्कुल ये इससे हम लोग पी एच टू बोलते हैं क्या बोलते हैं पी एच टू कनेक्टर क्या बोलते हैं पी एच टू कनेक्शन जनरली हम लोग पहले जो हमारे पास यू एस बी सॉरी जो सिस्टम्स आते थे आ, उस सी पी यू में इस टाइप का ही कनेक्टर ज्यादा कनेक्शन ज्यादा होता था ठीक है माउस और कीबोर्ड माउस और कीबोर्ड को हम लोग इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं ओके जनरली हम लोग माउस को ही कनेक्ट करते हैं लेकिन पहले कीबोर्ड को भी हम लोग ऐसे ही कनेक्ट कर रहे थे अभी भी कहीं कहीं आते हैं तो इस तरह के जो हमारे पोर्ट होते हैं उसे हम लोग पी एच टू बोलते हैं क्या बोलते हैं पी एच टू अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये सीरियल पोर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं सीरियल पोर्ट इसमें डॉट डॉट होल होते हैं और इस टाइप के ही एक अलग डिवाइस होते हैं मेल और फीमेल्स ठीक है तो वो मॉनिटर से हम लोग उस केबल को लाते हैं और इसमें कनेक्ट करते हैं इस तरह के जो पोर्ट होते हैं वो सीरियल पोर्ट होते हैं ओके नेक्स्ट हम लोग इसकी जस्ट बिलो आएंगे पैरेलल पोर्ट ये प्रिंटर के लिए होता है चूँकि कम प्रिंटर में ही इसको यूज़ किया जाता है लेकिन अब तो जितने भी प्रिंटर्स लगभग लगभग लग लग आ रहे हैं सब यूएसबी केबल के, के थ्रू ही कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रिंटर्स अभी भी अवेलेबल हैं जो पैरेलल पोर्ट्स में ही कनेक्ट हो पाते हैं ठीक है नेक्स्ट है हम लोग ये आते हैं दोनों एक ही टाइप का है ओके एच डी एम आई पोर्ट्स एच डी एम आई पोर्ट्स ये पोर्ट्स जो होते हैं यू एस बी के तुलना में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इससे हमारी जो भी वर्क होती है उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है नेक्स्ट हम लोग आएंगे अदर पोर्ट्स ये सारे पोर्ट्स हैं आपको कोई और चीज़ से कनेक्ट करने के लिए अगर नहीं यूज है तो हम लोग इसे क्लोज करके रखते हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्क केबल या अथा पोर्ट ठीक है हम लोग अथानेट पोर्ट मतलब लाइन वगैरह की जो कनेक्टिविटी होती है लगभग लगभग इस टाइप की ही कनेक्टिविटी होती है पुराने जो आपके घर टेलीफोन होते थे ना उसमें इस टाइप की कनेक्शन होता था ऐसे ही हम लोग केबल को अटैच करते थे अपने उस टेलीफोन से ओके ये जो है नेटवर्क केबल पोर्ट कहलाता है जिसे हम लोग अथर पोर्ट या कोई कोई इसे लाइन केबल भी पोर्ट भी बोलते हैं लैंड केबल को हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं ओके नेक्स्ट जो ये नीचे वाला है यूएसबी पोर्ट है तो सब लोग आप जानते हो कि ये एस रिपोर्ट क्या होता है यूएसबी पोर्ट पर वो काफ़ी पॉपुलर होता है और ये जो हमारे बगल में एक या ये बच गए हैं ये कहीं कलर के जो ऐसे डॉट डॉट बने हुए हैं हॉल्स बने हुए हैं ये ऑडियो एंड वीडियो कनेक्टर्स हैं ऑडियो के जो जिस कलर के केबल्स आपके होंगे ऑडियो से जो आप कनेक्ट कर रहे हैं वो ऑडियो वाले में लगाएंगे और जो वीडियो से आप कनेक्ट कर रहे हैं वो वीडियो वाले में लगाएंगे तो मेरे ख्याल से ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कितने तरह के मैंने पोर्ट्स आपको बताया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ए टाइप्स ओके कनेक्टर और पोर्ट्स मिला के हमने ये टाइप आपको बताया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर सब कुछ हमने बना दिया कंप्यूटर में और हमने कनेक्टर और पोर्ट्स बनाए ही नहीं तो हमारा आई थिंक हम कनेक्ट करेंगे कैसे अपने अदर पेरी डिवाइसेस को ठीक है तो बोर्ड्स एंड कनेक्टर के बाद हम लोग आते हैं मदरबोर्ड के बारे में मदरबोर्ड क्या होता है ये देखिए मदरबोर्ड का इमेज आपका यहाँ पे दिया हुआ है मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखा दूँ एक बार ठीक है ये आप देखिए मदरबोर्ड का इमेज दिए गए हैं आपके लिए आपको समझने के लिए मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा पहले हम लोग जानते हैं कि मदर होता क्या है तो मदर इज अ लार्ज सर्किट बोर्ड टू विच डिवाइस लाइक रैम रोम प्रोसेसर नेटवर्क कार्ड साउंड एंड वीडियो कार्ड आर कनेक्टेड डायरेक्टली मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है आ, बहुत ही बड़ा होता है वो ठीक है उसमें जिसमें हम लोग डायरेक्टली रैम रोम प्रोसेसर नेटवर्क कार्ड साउंड कार्ड वीडियो कार्ड से सारे को एक ही बार कनेक्ट कर लेते हैं और यही नहीं इसमें हम लोग मतलब अच्छे से इसमें प्रोसेसर भी लगा होता है मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कनेक्टेड विद द मदरबोर्ड थ्रू आर डाटा केबल डाटा केबल के, 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 के थ्रू हम लोग हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल ड्राइव डिस्क ड्राइव को भी कनेक्ट कर लेते हैं मदरबोर्ड इज़ इच्छ विथ इटैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कार्ड बसेस बस के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं ओके uh, बस okay. हम लोग इसको क्या बोलते हैं बस कि, किसे बोलते हैं हम लोग तो बिल्कुल छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वो बने होते हैं इसमें देखिए ये सारे 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 जो भी है ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने हुए छोटे छोटे जैसे हम लोग बस बोलते हैं बसेज ट्रांसफोर डाटा एंड डिवाइजेज बसेस जो होती हैं वो हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शन को डिवाइस के थ्रू ट्रांसफर करती हैं और इट आल्सो हैड पोर्ट टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस इसमें जो पोर्ट्स बने होते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया पोर्ट्स के बारे में पोर्ट्स क्या होते हैं वो पोर्ट्स हमारे मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते रहे देखिए पोर्ट्स के लिए यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन दिया गया है ओके सो हम लोग लेट्स नो द मदर बोर्ड्स मदर बोर्ड कैसे होते हैं और क्या क्या उसमें होते हैं देखिए यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्टर दिया हुआ है ये चीज़ है पावर सप्लाई कनेक्टर है ओके okay, थोड़ा सा मदरबोर्ड के बारे में हम लोग जान लें अच्छी तरह से हार्ड जो हार्डवेयर का कोर्स करते होंगे जो हार्डवेयर के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन सा डिवाइस हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे इसके बाद पोर्ट्स हैं ये सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं आपके ऐसे ही बना हुआ आता है कंपनी से ही हम लोग इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता हो नहीं होती है सी पी यू कूलिंग फैन सॉकेट यहाँ पर सी पी यू कूलिंग फैन होता है हम लोग फैन को इससे कनेक्ट करते हैं इसमें हम लोग को बस प्लग इन कर देना होता है ऐसे ही आते हैं वो सिर्फ हम लोग को इसमें प्लग करना होता है ठीक है एक्सपेंसिव स्लॉट एक्सपेंसिव स्लॉट आपके हैं ये ओके okay, रोम होते हैं ये आपके रोम है देखिए रोम आपका बना होता है इसमें डिफॉल्ट में रहता ही है मदरबोर्ड में जब हम लोग खरीते हैं तो मदरबोर्ड बैटरी ये बैटरी होता है जो ये जो चार्ज होगा तो ही मदर बोर्ड काम करेगा का अदरवाइज ये काम नहीं करेगा सी पी यू स्लॉट सी पी यू स्लॉट ये आपका है बहुत ही इसमें टहनी होल्स होते हैं या आप ये कर सकते हैं कि इसमें एक, एक कटीली निकली हुई होती है और ये थोड़ा सा भी अगर एक भी इसमें अगर ये दब जाता है एक भी अगर टूट जाता है तो ये आपका काम करना बंद करता है तो बहुत ही नाजुक चीज़ होता है ये इसमें हम लोग क्या लगाते हैं प्रोसेसर को लगाते हैं ओके okay, प्रोसेसर को हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट रैम स्लॉट्स दो आपके रैम स्लॉट होते हैं दोनों में रैम आप लगा सकते हैं किसी में भी लगा सकते हैं मदरबोर्ड बैटरी मैंने बता ही दिया हार्ड डिस्क पावर स्लॉट ये हार्ड डिस्क का पावर स्लॉट है अगर ये हार्ड डिस्क को हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं और हार्ड डिस्क डाटा केबल स्लॉट्स हार्ड डिस्क के जो डाटा केबल के स्लोट्स होते हैं वो इसमें हम लोग मतलब कनेक्ट करते हैं हार्ड डिस्क को पावर यहाँ से मिलता है और डाटा का के जो केबल होता है यहाँ से कनेक्ट होता है जो आपके मदरबोर्ड के जो भी ऑर्डर से इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं वो आपके हार्ड डिस्क में होते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लगभग लगभग लग 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 आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ हम लोग कैसे कैसे इसको कनेक्ट करेंगे ओके अगर देखते हैं मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे समय मिले तो मैं इसके बारे में बिल्कुल एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को क्लियर बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे हम लोग इसमें वर्क करेंगे ओके सो चूंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है तो मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ूंगा पावर सप्लाई के बारे में पावर सप्लाई क्या होता है ये देखिए पावर सप्लाई जिसे हम लोग एस एम पी एस सी बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई स्विच मोड पावर सप्लाई एस एम पी एस एस फॉर स्विचड एम फॉर मोड पी फॉर पावर एंड एस फॉर सप्लाई ओके स्विच मोड पावर सप्लाई आप इसे ध्यान देंगे इसे हम लोग एस एम पी एस सी बोलते हैं जो पावर सप्लाई का काम करता है दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिचुएटेड इन साइड द सी पी ओ बॉक्स एंड कनेक्ट डायरेक्टली विथ मदर बोर्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक पावर टू द कंप्यूटर यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सी पी ओ बॉक्स के अंदर होता है और डायरेक्टली आपके मदर बोर्ड से कनेक्ट होता है ओके okay? ये जो है इट इज़ अ स्मार्ट ट्रांसफॉर्मर विच कन्वर्ट्स हाइस्ट वोल्टेज अल्टरनेट करेंट इन टू लोअर वोल्टेज डायरेक्ट करेंट यानी कि यह जो है हाइस्ट ये क्या काम करता है हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है यानी कि ए को डी में कन्वर्ट करता है ओके एंड सुटेबल फॉर द मदरबोर्ड एंड अदर कंप्यूटर डिवाइेज यह जो होता है यह कंप्यूटर और अदर मदरबोर्ड डिवाइस कंप्यूटर सॉरी कंप्यूटर के जो डिवाइस होते हैं उसमें यानी सी टी ओ में सोटेबल तो हो जाता है बैठ जाता है आराम से और मदरबोर्ड के लिए भी ये अच्छा होता है देखिए अगर ये ना हम लोग करें हाई वोल्टेज को अगर लो वोल्टेज में हम लोग कन्वर्ट ना करें तो हमारा अचानक से अगर मान लीजिए वोल्टेज बढ़ गया हमारे पावर में जो भी करंट आ रही है बिजली आ रही है अचानक से वोल्टेज बढ़ता है तो काम क्या करता है इसको ये उसको छोटा करता है और कैपेसिटी को लो करता है ठीक है यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट -कर करता है उसके बाद ही वो सप्लाई भेजता है मदर में अगर ऐसा ना करे तो हमारा मदर जल जाएगा अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि मदर ख़राब हो गया तो हम लोग को ये ये एक तरह से बहुत ही हिफाजत करता है हमारे मदर का और हमारे कंप्यूटर्स के अदर पार्ट्स का ठीक है सो so, ये आपका काफ़ी इतना ही है मैं आप लोगों को आज बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर नहीं भी आई हो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ हमारी ये कमियाँ हैं तो आप मुझे बताइए मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा तो मैं उसको कमियों को दूर करूँगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस रिलेटेड आपके मन में ये लग रहा होगा कि मैं कोई और क्वेश्चन पूछूँ इसके बारे में तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं